वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बेहतरीन तबीयत क्यों है? यार, तबीयत कैसी है बाबा? तबीयत थोड़ी बेहतर है लेकिन बस सही है, मुनासिब है। भाई आज आप हमारे साथ चले, आज हम आपको एक जगह घुमाएंगे और वो भी पैदल। यार मेरे ख्याल से उड़ना उड़ना बेहतर रहेगा। बात में ये तो नहीं देखा ना? नहीं, इसमें आया भी नहीं रहा। ये तो नहीं देखा? नहीं, आप दिखा रहे थे बार। जी सुपर हाईवे पर हम आ गए हैं और ये उतरते हैं हम सुपर हाईवे पर बहरिया टाउन से आगे, और इत्तफाक है शिराज भी साथ हैं। और जब ये साथ होते हैं समद भाई, तो कुछ ऐसा ही कारनामा सर अंजाम होता है कि कोई अनोखा ही काम ही आता है। मतलब 2014-15 में भी खतूत आते हैं यार, अब अंदाजा लगाने। बहरिया टाउन दिखा दें जी, माशाल्लाह से। अच्छा, कराची बहरिया टाउन जी, वन ऑफ द बेस्ट टाउन इन ऑल बहरियाज जी। और उस्ताद भाई थोड़े से फिजिकली फिट नहीं है यार, अभी रिसेंटली इनका जो है ना हादसा हुआ है बाइक से, और हिम्मत है इनकी फिर भी आ गए हैं साथ। तो देखेंगे, अगर आसानी हुई तो हम ले चलेंगे, नहीं तो आप बिल्कुल रेस्ट रखेंगे। अभी जान है तो जान है, लेकिन मुझे लगता है कि आप रुकेंगे नहीं ऐसी जगह देख के ना। इंशाल्लाह देखते हैं, जो उसके करेंगे बेहतर है। तो हिम्मत मर्दा निकल गए तो वाह वाह वाह। तो अर्ज ये है जी कि निकलते हैं बस, कि देखी जाएगी। ये देख लीजिए, हैदराबाद जा रहा है, सखर जा रहा है, लाहौर जा रहा है, यही रोड। इसी से पहले भी सफ़र करके दिखाए हैं आपको हमने, कहीं फैसलाबाद गए थे याद है। तो सुपर हाईवे पे जी जा रहे हैं और आपको तमाम एड्रेस डिटेल्स के साथ बता रहे हैं। ये जी मैं हाईवे से ना कच्चा रास्ता निकल रहा है नीचे, यहाँ जा रहा हूँ। और आप दिखा दें शिराज भी, ये हाईवे को हमने छोड़ा है। ये देखो कामरान भी, ये हम हाईवे से छोड़ा है और यहाँ लेफ्ट पे उतर आए हैं नीचे। ये रास्ता जा रहा है जी, अल्लाह करे लोग मिल जाए वहाँ पर, इसीलिए रोशनी रोशनी में, क्योंकि रात में तो कोई नहीं जा रहा। और रास्ता चेक करो आप, एक मिनट यार मैं ये लगा दूँ। हाँ भाई, इसी की बात हो रही थी ना कि गाड़ी टेढ़ी हो जाती है, देखिए समझ। हाँ अब ये शौक कह लें जी, जुनून कह लें, कि ये ले जाता है हमें ऐसी जगहों पे। और ऑटो गाड़ी जो है ना लैंड के अंदर, बड़ा ब्रेक पे बड़ा असर पड़ता है उस पर। मैं शुगरान से भी उतरा हूँ ना नीचे, समझ गए, ब्रेक शू ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, आपको तो सामने ऑटो है ना, मैनुअल को तो आप गियर से रोकते हो, पहले गियर में दूसरे गियर में रोक लेते हो, ऑटो तो जाती जाती है ना, तो ब्रेक जो है ना वो ख़राब हो जाता है। सामने वाली गाड़ी चाहिए आपको ऐसी लोकेशन के लिए? इसीलिए लिया था जी इसको, क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं, हमें जाना है ऐसी जगहों पे होते हैं। सर ऐसे ही होता है, असल में हमारा इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं रहा ना, लेन देन नहीं रहा, तो इंसानों वाली जगहों पे नहीं होता ना। अब बताएं वहीं हो जाना होता है जहाँ इंसानों की आबादी नहीं होती, आता भी नहीं है कोई, वहीं तो मिलते हैं ये। ये जी एक रोड मिला है, अंदर जा रहा है, वीराना बेबान, दूर दूर तक वीराना है सज्जन। अल्लाह करे बस
डे लाइट में मैं पहुंच जाऊं बस यार, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पहुंच जाऊं डे में, क्योंकि वो जगह ऐसी है ना, मुझे डायरेक्ट रात में जाना मुनासिब नहीं है उधर। लास्ट लोकेशन पे मैं गया था तो मुझे पूछ रहे थे बच्चे आप किधर गए, तो मैंने कहा बैरिया टाउन के बिल्कुल अपोजिट 40 किलोमीटर वीराने में जी, मतलब ये की बैक साइड पे, अब तो बैरिया से आगे क्रॉस कर गए हैं। जो नई जगह को आबाद करना आसान नहीं होता, और यही हो रहा है कि ऐसा से जैसे शहर बढ़ रहा है ना, आप नोट कर लें कि हम उन तरफ जा रहे हैं जहाँ पर आबादी ना के बराबर है, जब शुरू हो रही है जहाँ पर, वहाँ मसाइल आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी सोसाइटियों में मसाइल आए जब इनको आबाद करने की कोशिश की गई, मेरे पास प्रूफ्स है। नहीं, ऐसा था ना, पहले तो यार शहर के बीच में ये चीजें होती थी, अब तो मेरा लग रहा है जिन्नात भी इंसानों से भी डरने लग गए हैं, वो भी बेचारे शहर से बाहर निकल के। बात ये समझ भाई, कितनी आप चारों तरफ देख लें, हम उस तरफ जाते हैं मैरान यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है, मैरान हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ, वो एक कोना है कराची का, ये हम हाईवे पे आए ये एक कोना है कराची का, हम सुरजानी साइड पर जाते हैं वो एक कोना है कराची के, सारे कॉर्नर्स हैं। और यहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं ज़्यादा सामने, क्यों ये आबाद होना शुरू हो रहे हैं अभी, और हमारे लोग बे एहतियाती करते हैं कि कुछ एहतियात है आबाद करने की, आप अजान देते हैं, साफ सफाई करते हैं, बावाज़े बुलंद एक दो दिन का टाइम देते हैं उनको, एकदम आके फौरन ही शुरू नहीं कर देते काम यार, क्योंकि क्या हमारा ईमान नहीं है कि वो मखलूकात हैं, वीरानों में बियाबानों में बस्ती हैं वो, हम वीरानों बियाबानों में आके एकदम ही उनकी जब उनको नज़रअंदाज करते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, जो जैसे समझ तुम कह रहे थे हम शहर में होते थे, तो उसको वो क्या कि लेवल भी थोड़ा ना बस अब बिगनर समझ लो एलिमेंट्री, अब तो एक्सट्रीम है, क्योंकि आप ऐसे वीरानों में जा रहे हो, वहाँ बड़े ताकतवर मखलूकात, सर आप देख लेना आप बिगफुट चले गए, जो चार पाँच है एपिसोड मैंने आप लोगों के साथ भी किए, तो हम लोगों ने ज़्यादातर मैंने यही देखा कि वीरानों में बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसी ही जगहों पर मिल रहा है। अच्छा नहीं, जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड किया वो एक गुंजानाबाद जगह थी, वहाँ पर भी ये चीज़ें थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, वहाँ भी ये चीज़ हमें मिली, लेकिन ये कि शहर में अब कम हो गई है ये चीज़ें, ये भी ज्यादा है कि लोग अगर होता भी तो बताते नहीं है ज्यादा, प्रॉपर्टी खराब हो जाती है और उनको क्या पता कि बेहतरी हो जाती है। अब देखिए हर मसले का हल बात करने से खत्म होता है, बड़ी बड़ी जंगे खत्म हो जाती है, इसके आगे खाइए कि आप कहां लेके जाओगे, बड़ी बड़ी जंगे बात करने से खत्म हुई है जी, तो मसले जो छोटा होता है ना उसको छोटे में ही खत्म कर ले, बड़ा ना होने दें, आप अंदाजा लगा ले हम हैं कहां पे, समझ में देख रहे हो, यकीन करो मुझे डर लग रहा था जाते हुए। हर मसले का हल बात करने से खत्म होता है, बड़ी बड़ी जंगे खत्म हो जाती है, इसके आगे खाइए कि आप कहां लेके जाओगे, बड़ी बड़ी जंगे बात करने से खत्म हुई है जी, तो मसले जो छोटा होता है ना उसको छोटे में ही खत्म कर ले, बड़ा ना होने दें, आप अंदाजा लगा ले हम हैं कहां पे, समझ में देख रहे हो, यकीन करो मुझे डर लग रहा था जाते हुए, मुझे अब काम हो रहा था यार, और ज्यादा जान अल्लाह ले जाए, निकले हैं बस। इमली के बागात का जो रास्ता था ना ये थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम था। अब यही वजह है जी, यही शौक ले गया हमें एक मुल्क के कोने ज़ियारत में, और यही शौक ले गया मुल्क के दूसरे कोने पिंडी में ना, इस्लामाबाद में, कश्मीर में, कश्मीर जंगल,
तो बस ये शौक ही है जी, अपना इसको बंद कर दो, डाइट उतार दी। अब मुझे बताया ना, यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे जन्नत? अरे अभी रात में ही, जब अब वो होगी वो देखो पता नहीं क्या चीज़ है सर, वो दरख्त देख रहे हैं सर, मखलूक खड़ी हुई ये देखिए जी भी सन्नाटे में, कोई रात में क्या खौफनाक हो गई है। अभी ये रोशनी है जी थोड़ी सी, तो इसलिए चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे लगता है रात में नज़र भी नहीं आएंगी। कुछ फासले फासले से आना जाना है लोगों का, कोई आबादी तो आई है बीच में। अच्छा एक फासले पे आबादी है लोगों, क्या कहा था लोग इंतजार कर रहे होंगे जी हमारा, ये देखें ये लोग हैं जी, ये मोटरसाइकिल पे आपको नजर आ रहे होंगे समझ में, मैंने कहा था ना आबादी के पास, वो देखें आबादी वो रही, ये लोग लेके जा रहे हैं हमें। अच्छा आबादी में नाम की है भाई है। सर यही है, सिलेक्टेड लोग हैं जो रह रहे हैं यहाँ पे, बाउंड्री भी उन्होंने झाड़ियों से बनाई हुई है अपनी, वही कच्चे मकान यार, वो दरख्त देखे ना सामने समद भाई, ये जड़ी नीचे गिरी हुई है सर, ये निशानियाँ शुरू हो गई है, कमान बरगद है जी भाई, बरगद है भाई जान। अब बताएं यहाँ बनता है ये दरख्त? यहाँ ये दरख्त बनता है समद भाई? दरख्त तो चेक करें यहाँ सर, बनता है इधर इस दरख्त का होना, ये सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बड़ी निशानी क्या होगी इस जगह पर। अभी हमने कल परसों बात की है कि इन दरख्तों की उम्र 400-500 साल, कल परसों ही बात की है। दरख्त होते हैं सर अपना शिराज भाई, आए मिले जी, आए मिले, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई खैरियत से हो, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम सज्जाद, अस्सलाम वालेकुम अरबानी साहब सज्जाद, खैरियत से। ये देख लिया आप बाबा, हम ज़रा वक्त कम है, हम ज़रा दिखा दें लोगों को, मेहरबानी यार। ये कब से दरख्त यहाँ पर? इसको तकरीबन बहुत टाइम हो गए, ये तो भाईजन मुझे अंदाजा है शायद सैकड़ों साल पुराना होगा। हाँ, ये तो बहुत, ये क्या था? ये भी मतलब कुएं पानी का, आपको विजिट कराना। और ये क्या था? ये भी सर मतलब कुएं पानी का, ये भी कुआं है जी हाँ, मैं अभी भी पानी है मतलब। ये पता है वो कारसाज याद है शिराज भाई? हाँ। ये अल्लाह भाईजान वाकई, ये नहीं होगी तो कौन सी जगह होगी फिर? हाँ, यहाँ से आप देखें, इधर आ कामरान भाई, इस कोने से वो दिखाओ, उसके अंदर सुराख हुआ हुआ है वो दीवार के नीचे, अंदर भी गार है, अंदर गार है। हाँ, मतलब ऐसे। जिन होते हैं वगैरह होते हैं, मतलब हम खुद डरते हैं रात के। चमगादड़े हैं, बहुत चमगादड़े हैं, ये जगह बहुत बहुत पुरानी है। अल्लाह पा, ये सुन लो ये चमगादड़ों की आवाज़ है। अच्छा ये जगह भी ऐसी है, यहाँ तो उतर भी नहीं सकते, वहाँ तो गार में चले गए थे हम। अभी रोशनी बाकी है मेरे भाई, मुझे दिखा दोगे रास्ता आप शिराज भाई? ये देख लें, ये दिखा रहे हैं, आ जाएं। ये निशानी है जी बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता दूँ, Thank you.
समद भाई जी सामने ड्रोन रेडी कर रहे हैं, उनको मैंने लगाया टाइम कम है जरा, मैंने कहा रोशनी जितनी बाकी आपको दिखा दूं मैं हूं कहां पर। ये जी एक प्लांट है सैकड़ों साल पुराना, मुझे कारसास की दुल्हन याद आ गई, याद है शिराज भाई? कारसास की दुल्हन की मैं उस जगह पर गया था जहां से वो निकलती थी, और वो था कुएं का प्लांट, वाटर प्लांट, वही ये है। और मुझे अंदाजा अंदर क्या होगा, मैं बाहर से देखा, मैंने मुझे ऐसी चमगादड़ों की आवाजें आ रही हैं, अल्लाह बचाए। ये बेचारे गांव वाले हैं जी, ये साइड में देख रहे हैं आप, पूरी आबादी है गांव की, और इन लोगों को ये आवाजें आई हैं यहाँ पर शदीद, और इन्होंने हमें बुलाया है। बरगद का दरख्त मैंने आपको दिखाया है इसके बिल्कुल साथ में, आपको दोबारा दिखाता हूँ, बहुत बड़ी है जी, बहुत बड़ी निशानी है जी, बहुत ज्यादा वीराने। वो सामने बरगद का दरख्त है, उस समय पर ड्रोन रेडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये वो जगह है आपको दिखाने के लिए, मैं ऊपर से ड्रोन का शॉट ले रहा हूँ, मैं हूँ कहाँ पर, आपको जगह भी दिखाता हूँ। अभी तो आपको अंदाजा नहीं इसके अतराफ में क्या होगा, मैंने भी नीचे देखी खाइयां हैं यार जी, चंद सेकंड के लिए। ये दिखाइएगा शिराज भाई जगह जो है ना, ये है कहाँ पर ये प्लांट? अच्छा, इसके पास कुछ कुआं था, वो भी टूट फूट गया, तबाह हो गया है। ये देख लें जी राइट पर आप, ये जगह है, मैं इसके अतराफ में दिखा दूं जरा आपको, मैं दादी से ले रहा हूं। कमान में पूरा इलाका दिखा दो, हम हैं कहां पर, ये देखें जी, ये पीछे है इसका। तो वो बेचारे जो ये गांव वाले हैं, अभी मैं इनसे बात करके सुनाता हूं आपको, ये बेचारे डर गए हैं बहुत कि भाई रात को सो नहीं पा रहे हम लोग, ऐसी आवाजें बढ़ रही हैं। भाई जी सामने ड्रोन रेडी कर रहे हैं, उनको मैंने लगाया टाइम कम है जरा, मैंने कहा रोशनी जितनी बाकी आपको दिखा दूं मैं हूं कहां पर। ये जी एक प्लांट है सैकड़ों साल पुराना, मुझे कारसास की दुल्हन याद आ गई, याद है शिराज भाई? कारसास की दुल्हन की मैं उस जगह पर गया था जहां से वो निकलती थी, और वो था कुएं का प्लांट, वाटर प्लांट, वही ये है। और मुझे अंदाजा अंदर क्या होगा, मैं बाहर से देखा, मैंने मुझे ऐसी चमगादड़ों की आवाजें आ रही हैं, अल्लाह बचाए। ये बेचारे गांव वाले हैं जी, ये साइड में देख रहे हैं आप, पूरी आबादी है गांव की, और इन लोगों को ये आवाजें आई हैं यहाँ पर शदीद, और इन्होंने हमें बुलाया है। बरगद का दरख्त मैंने आपको दिखाया है इसके बिल्कुल साथ में, आपको दोबारा दिखाता हूँ, बहुत बड़ी है यार जी, बहुत बड़ी निशानी है जी, बहुत ज्यादा वीराने। वो सामने बरगद का दरख्त है, उस समय पर ड्रोन रेडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये वो जगह है आपको दिखाने के लिए, मैं ऊपर से ड्रोन का शॉट ले रहा हूँ, मैं हूँ कहाँ पर, आपको जगह भी दिखाता हूँ। अभी तो आपको अंदाजा नहीं इसके अतराफ में क्या होगा, मैंने भी नीचे देखी खाइयां हैं यार जी, चंद सेकंड के लिए। ये दिखाइएगा शिराज भाई जगह जो है कहाँ पर ये प्लांट? अच्छा, इसके पास कुआं था, वो भी टूट फूट गया, तबाह हो गया है। ये देख लें जी राइट पर आप, ये जगह है, और ये सामने देख लें जी, यहाँ से ये मामला शुरू है। वो बरगद है, और उसके साथ वो प्लांट है, और ये जगह है। आबादी भी मैंने दिखा दी है जो है, जिन्होंने बुलवाया है हमें। मैंने कहा लाइट जब तक है मैं आपको दिखा दूँ जगह, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ पर मौजूद हैं ना। Thank you.
दुकान पे लाइट चला लें, अभी अंधेरा हो रहा है। गन्ने की चौड़ाई देखो यार, ये वही वाली बात है, जड़ें भी दरख्त बन रही हैं दोबारा। हाँ ये देखो, चलाओ मत। अब देखो कहाँ है, वो तो जहाज आ रहा है, जहाज है। रुक जाओ वहीं, रुक जाओ भाई के साथ, बाइक पे जाओ पीछे बैठ के। मुझे नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। मुझे वो पता है, उसने देखा है जहां तक, वो तुम्हें करीब ले जाएगा। यार वो यूं आया है, उसकी लाइटें बंद हुई हैं, वो उधर भागा है और कंट्रोल अब नजर नहीं आ रहा। हमने बाइक पे भेजा है उसको, ड्रोन गायब हो गया है। ऐसा लगा किसी ताकत ने उसे दूर फेंक दिया। मैंने लास्ट वहां देखा है, वो नदी के ऊपर, उसको अल्लाह करे मिल जाए। कहाँ बेटा, बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते, इसलिए बाइक पे भेजा उसको। मुझे नजर भी नहीं आ रहा। जीपीएस तो है अभी तो, लेकिन उसको नजर नहीं आ रहा था। लाइटें भी नहीं जल रही उसकी, लाइटें क्यों नहीं जल रही उसकी? लाइटें अचानक बन हुई उसकी, और उसकी जो वहाँ कुछ चमक रहा है, वो रहा सिराज भाई, वो देखो ग्रीन ग्रीन लाइट नजर आ रही, वो देखो वो सामने चमक रहा है, कुछ अभी चमका था, कुछ अभी चमका था उधर, ग्रीन ग्रीन लाइट करके चमका था कुछ, अल्लाह करे रुक जाए वहीं पे वो बच्चे, वो चमका है कुछ। वहाँ रखिएगा सामने झाड़ियों के ऊपर कैमरा, ना जूम करके रखें काम। वो अब आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है ड्रोन हमारा, बिल्कुल सज्जाद भाई, वो लाइटों की तरफ ही जा रहा है। खैर वो मिल जाएगा इंशाल्लाह, बहुत आगे जा रहा है ये। कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा इससे? किसी और ने कंट्रोल क्यों नहीं कर लिया? क्या हो गया यार? ये एयरपोर्ट का एरिया है, एविएशन है ये अपना। चिराग भाई ये कुएं के बारे में असल में यही बात है, यहाँ पे जो कैमरा रोशनी आप कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह करे मिल जाए जी, बाइक पर भेजा आपके सामने हुआ है जो हुआ है, हम इधर थे, वो ड्रोन इनके ऊपर यहाँ तक आया है, बिल्कुल मैंने खुद उसकी स्क्रीन में देखा है, यहाँ तक आया। उसके बाद कुछ वार्निंग आई है सिस्टम में से, वो ऐसा लगा जैसे कि पीछे हुआ है, वार्निंग आई है और ऐसा लगा अंधेरी आ गई है, जैसे कोई अंधेरी उसको ले गई अपने साथ, ऐसा लग रहा है मुझे। अल्लाह करे रिकॉर्डिंग में हो ये सब, कभी वहां जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है, और अब नजरों से ओझल हो गया ड्रोन। और बाइक पर भेजा उनको कि भाई किसी तरह मिल जाए, ले आओ तुम ना। मैं क्यों कह रहा हूँ इधर लेके आया, कह रहा नहीं आ रहा, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, हर जगह ऊपर, इधर नहीं आ रहा। ये क्या कहेंगे इसको, ये एक्सपर्ट हैं समद भाई, इसके ड्रोन एक्सपर्ट हैं ये। यूं तो ऐसा लगा किसी और ताकत ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया यार, वो बरमूडा ट्रायंगल याद आ गया मुझे यार। ऐसे होता है, मेल फंक्शनिंग ऐसे होती है। नहीं यार डिवाइसेस तो वो होती तो मसला तो करती हैं। अल्लाह करे वो आ जाए, अल्लाह करे वो आ जाए, वो भाई मुझे बड़ा दिल में डर रहा है। वो आ गया मेरे ख्याल में बाइक में, वो देखे नदी के अंदर, वो देखो बाइक नदी में गई है, वो देखो शिराज भाई, कामरान वो देखो नदी में बाइक गई, वो नदी में बाइक है, अल्लाह करे मिल जाए उनको। हाँ नदी में बाइक तो गई है जी, आओ आगे से दिखाएं उनको। चलो 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 आओ। ये तो अभी क्या मसला हुआ, ये तो हम यहाँ पर, ड्रोन नजर नहीं आ रहा, ड्रोन का है ये देखो, ये देखो, ये देखो वो घूम रहे जी। यहाँ कांटो से सजा भाई थोड़ा आगे निकले ना, आगे नदी है। तो ड्रोन कहाँ है दादा? मिक्स आवाज़ें होती हैं जैसे हमें अक्सर सुनाई देती हैं, ये मैंने इनसे नहीं कहा, इन्होंने खुद बता रहे हैं मुझे कि सब आवाज़ें होती हैं एक साथ, जानवर इंसान बच्चे बूढ़े जो हम भी समझ नहीं पाते, नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता, ऐसी आवाज़ें नहीं बैठ सकता, नहीं सकता। कई लोग आए हैं नहीं बैठ सके, एक घंटे से ज़्यादा, एक घंटा भी नहीं बैठ, हम खुद नहीं जा सकते सर इधर। बताओ आप कहाँ रहते हो? सर हमारे यहीं है, इधर ही रहते। ये जो पीछे आबादी है, मेरा घर यहीं पे है। आपका उधर है और दूसरे भाई का इधर है? दूसरे भाई का जो इधर अभी जो आए थे, वो जो बाइक पे गया उसको लेके? नहीं नहीं वो भी मेरे साथ है। अच्छा 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 अच्छा
अब जैसे दूर काम हो रहा है ऐसे लेबर आती थी यहाँ पर, यही ज्यादा लेबर आती थी, यहाँ बैठती थी, यहाँ बैठती थी, नहीं बैठ सके? नहीं नहीं सर, ये बहुत पुराना जगह है, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता है, नहीं कोई आलम, हमने तो आलम नहीं लेके आए अभी तक। अच्छा नहीं लाए? नहीं, तो यहाँ बैठते थे वो लोग। ये फुटेज आई है शिराज जी हमारे पास, ऐसी आवाज़ें मैंने नहीं सुनी चमगादड़ों की पहले, आपने सुनी है ऐसी आवाज़ें चमगादड़ों की? अभी मैंने बहुत बड़ी बड़ी चमगादड़ उड़ते हुए देखी है यहाँ पर। एक रास्ता ये है सामान पे, क्या है चमक रही है वो सामने, वो सामने देखे, एक सेकंड जूम करो, वो आगे देखे। अरे भाई ये कबूतर नहीं है जी, ये चमगादड़े दिखा रहा हूँ मैं आपको, बड़े साइज के आ रही है रिकॉर्ड में। जी जी बिल्कुल। ये कबूतर नहीं है जी, ये चमगादड़े दिखा रहा हूँ मैं आपको, बड़े साइज के आ रही है रिकॉर्ड में। जी जी बिल्कुल। ये आवाज़ें पहली बार सुन रहे हैं, हम ऐसे के मंजर पहली बार देख रहे हैं ऐसा कि हम चमगादड़ों के ऊपर हैं, वो हमारे नीचे घूम रही हैं ऐसे, और ये ऐसे ही घूम रही हैं। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, ये बता रही हैं अपना आप की क्या जगह है, किन की जगह है। चमगादड़ों से हमारा पुराना ताल्लुक है, चाहे वो कुमारी पर हो चाहे पुरानी जगहों पर हो, लेकिन हमेशा हमने उनको ऊपर देखा, आज हम उनको अपने नीचे देख रहे हैं। हाँ ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जमीन अंडर, ये अंडरग्राउंड निकल आएगी ना सजा, बेसमेंट बिल्कुल ऊपर आ रही है। सर इनका ऊपर आना देख रहे हैं, तो पर इनके परों से स्मेल आ रही है। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं शिराज भाई, आगे करके रिकॉर्ड करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ये आंखों से देख रहे हैं सर, चमगादड़े हैं नीचे, आगे आके मंजर देखे। ये भाई काफी बढ़ रही है, ये मंजर देखो आप लोग, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये चारों तरफ आ गई है ऊपर, ये चेक करें, ये चेक करें। ओए वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो सामने देखो लाल रंग का, ये देखो शिराज भाई। जी 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 जी, ये आ रहा है शिराज भाई, कामरान भाई। जी जी, ये मेरे पास आया आया है, ये देखे रिकॉर्ड हो रहा है सजा भाई, ये देखो जूम किया है कितनी दूर। समर समर, शुक्र है अल्लाह का यार, नजर आ रहा है दूर जी, ये देखो जूम करो, ये रहा, ये नीचे उतर रहा है, काफी दूर है सजन भाई। हाँ वो देखें, उतर रहा है, उतर, समद कहाँ है? समद इस तरफ है, ये आगे थोड़ा चले, ये नीचे रास्ता है ना, है सजन, बहुत दूर फासला है ये। ये वहाँ क्या कर रहा है सजन भाई? ये ड्रोन है, कुछ और चीज है, ड्रोन है, ड्रोन है, हाँ ड्रोन है। समद, समद नहीं है, चलो मिल गया है ना यार, समद को कॉल कर दो, दिखाओ मैं कॉल करूं, अब उठाएगा नहीं ड्रोन, तो उसका अटैच है फोन से। जी है ये ड्रोन ही है, हाँ ड्रोन ही, कॉल ड्रोन, ये ड्रोन है, ड्रोन, ये देखे ये और आगे जा रहे हैं मजीद सजाद भाई, अब धूम देखे तो मैं कॉल करूं क्या समद को? नहीं नहीं, मैं हूं रिकॉर्ड पे ना, नहीं मैं कह रहा हूं उसका ड्रोन अटैच है, उठाएगा नहीं उठाएगा फोन, वो नहीं उठाएगा भाई,
करके देखता हूँ, फिर आगे जा रहा है, सीधा ही सीधा जा रहा है आगे। आप जूम कर, सीरत भाई देख, नजर आ रहा है वो रेड कलर की, देखें ओ यार वो सामने, ये भाई लाइट बंद हो गई, आगे जा रहा है, लाइट ही बंद हो गई, जा रहा है ये, इधर क्यों नहीं आ रहा? एक क्या मुसीब कमान भाई, आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ, नहीं इसके ऊपर खड़ा होकर देखता हूँ, नहीं नहीं आगे नहीं जाओ, उसके नीचे जगह नहीं है, वो अब उस तरफ जा रहा है, वो नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, ये लोग पहुंच गए हैं क्या वहाँ पे? वो नीचे गिरा, वो जा रहा है, वो जा रहा है, कमान नहीं रिकॉर्ड करो, वो सामने लाइट जल रही है, वो लाइट जल रही है, अच्छा अच्छा मैं कर रहा हूँ, मिल गया लाइट, मिल गया, चलो शुक्र, ओ शुक्र है। वो लोग कितनी दूर है सीरत भाई, दिख रहा है वो लोग कहाँ है? वो लोग, ओ मिल गए, मिल गए, वो लोग ही हैं, उतार लिया उसने, उतार तो दिया नीचे, अल्लाह करे वही लोग, कहाँ पे पकड़ा है जी उसको, कहाँ पर पकड़ा है हमने यार, लाइट फ्लैश, आओ कमरा ये लो, अजीब 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 मामला, वही है, नहीं वही होंगे क्योंकि उतरेगा तो समझ से ही ना, तो वो समझ से उतरेगा, वही होगा और तो कोई नहीं होगा, मोम किया है ना उसने। ठीक हो? हाँ मैं नहीं, परेशान हो गया था, मैंने देखा वो नदी में जाके, नदी में जाके फिर उसको इसकी लाइट नजर आई है, वहां गया हूँ, उसके बाद उसको कनेक्ट किया, वहां बिल्कुल आराम से उतर गया है यार, ये वहाँ ये कुछ भी नहीं हुआ इसको भाई, आपके सामने उतरा, आप ही लेके आए, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, फ्लैश दिया था ना आपने वहाँ से, टॉर्शन दिया था, जी जी, अभी कह रहा ना मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, इन्होंने बोला इसको यहाँ उतारो, मैं उसको करीब लेके आया, उसको मैंने वहाँ उतारा, बिल्कुल आराम से वो उतर गया, यहाँ पे इसको करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उतारने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं उतर रहा था और मजीद दूर भाग रहा था, लेकिन ये इस हदूद से बाहर निकला है। अच्छा बीच में तो मिस हो गया था ना, नजर ही नहीं आ रहा था कि कहाँ गया कहाँ गया, फिर जब हम उस नदी की तरफ गए, वहाँ जाके मैंने दोबारा इसको ऑपरेट किया है, तो फिर ये नज़र आया हमें, जब ब्लिंक करता हुआ नज़र आया तो फिर मैंने इसको करीब लेके आया, फिर इन्होंने बोला कि इसको उतार लो अब यहाँ पे ना, सर बचत हो गई तो वहाँ पे फिर हमने उतार लिया उसका, क्या देते हैं बात ये यार, लाखों रुपए की चीज़ है भाई, बहुत महंगी है, फिर एक परमिशन किस तरह से हमने ली है हम जानते हैं जी, अलाउ नहीं है ना, बड़ा रिस्क है, वो हमने ली है वो हम जानते हैं, अब ये हुआ क्या है यहाँ पर, मतलब वो ये मैनुअली कोई और ऑपरेट कर रहा था इसको? हाँ, मुझे भी ये लगा था, जीपीआरएस पहले कनेक्ट किया है मैंने इसको होम, मैं चीख रहा हूँ यार, मैं आपको इधर लेके आओ, आप और दूर भेज रहे हो, दूर जा रहा है, दूर मुझे इस टाइम पर नजर नहीं आ रहा था, इधर ही लेके आ रहा था लेकिन वो दूर जा रहा था, लेकिन जब वहाँ पहुंचे उसके बाद हम करीब भी लेके आए, सब किया, सब कुछ तरीके से चला है, सजा जीपीआरएस वो कुछ ऐसी ताकत थी जो उसको थ्रो कर रही थी, और दूर जीपीआरएस दूर इतनी दूर चला गया था कि शायद कनेक्ट नहीं होता आपस में, रेंज से आउट हो गया था ये, और वहाँ जाके कनेक्ट हो गया, आउट हुआ है भाई, तो अल्लाह ने गरम कर दिया है, मुझे लगा गया ये आज, अच्छा मैं जब यहाँ से जा रहा था ना, मेरे को लग रहा था शायद गया ड्रोन ना, लेकिन जब वहाँ जाके ब्लिंक किया, भाई ने बोला कि ये देखो अब नजर आ रहा है, जब मुझे भी नजर आया ना, फिर मैंने इसको कंट्रोल किया वापस। अच्छा मजे की बात, सबसे मजे की बात ये थी कि जब एक चीज़ डिसकनेक्ट हो जाती है ना, आप उसको वापस कनेक्ट करते हो, नेट जला जाता है, आप क्या करते हो वाईफाई खोलते हो, उसको दोबारा कनेक्ट करते हो, मैं जब वहाँ पहुँचाऊँ ना तो ये ऑलरेडी वहाँ कनेक्ट हो गया था खुद ही, ये बचत देखा, टक करके कनेक्ट हुआ, उस मालिक का करम है, और उसको मैंने बहुत इजीली आराम से उतारा, जमीन के अंदर ना ये जगह के अंदर कुछ जियोमेट्रिक, अच्छा हमारे पास यहाँ की रिकॉर्डिंग है, यहाँ की रिकॉर्डिंग प्रॉपर रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास। लेकिन मुझे याद है जब मैं आया था ना देखने स्क्रीन पे, आप इसके ऊपर जा रहे थे, और जैसे ही जा रहे थे ना एकदम इसने कुछ बोला, कोई अलर्ट दिया, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ वो भाई यहाँ वहाँ कोई इसको उड़ा रहा है ऐसे, जैसे वो एक साइक्लोन के अंदर फंस गया वो ड्रोन आपका, तौबा खैर खुश शुक्र है जी बच गया, शुक्र है अल्लाह पाक ने इज्जत बचाई सबको, आपकी मेहरबानी हुई, बेशक सही फैसला था ना बाइक पे जाने का, जी 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 सर, समझो बाइक पे जाने का सही फैसला था ना, यहाँ खड़े में इंतजार करते करते के वापस आए, वापस तो यहाँ नहीं आता, सही बता रहा था कि अगर खुदा ना खासा बैटरी खत्म हो गई कहीं भी गिर गया तो उसको मिलेगा कैसे, और चले ये सब आपके सामने जी, सबसे हैरत की बात ये थी कि होम बटन प्रेस करने पे भी ये वापस लौट के नहीं आया, मैं इसको बार बार जगह पे नहीं आया, बनाया तू होम नहीं बनाया, मैं कह रहा हूं जहां से उड़ाते हैं वहां से मैं होम बनाता हूं, वहां से होम करता हूं मैं। समझ भाई आप कितने अरसे से कर रहे हो ये काम? यार मैं सही बात बताऊं नहीं हुआ ऐसा कभी भी,
कभी नहीं हुआ मेरे साथ इस तरीके की चीज़ है ना। मैं करता हूँ, मैं इवन ये कि दूसरे इवेंट्स में भी लगते हैं, ऐसा नहीं है किसी में, दूसरे इवेंट्स में भी लगते हैं, बहुत तरीके से काम चल रहा था, बहुत स्मूथली चल रहा होता है। अच्छा मजे की बात है कि ये थोड़ी हाइट भी नहीं थी, मैं इससे बहुत ऊंची ऊंची हाइट पे लेके गया हूँ इसको और कर रहा होता है ना, और वहाँ पे यूज़ किया हमने तेज मौसम में परिंदों में हाइट पर, क्या कह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ, पुरो है, बच जाता है। मैंने आपको क्या, मैं भी पुरो है, मैंने आपको क्या अर्ज की, ये जगह आपके सामने है, ये निशानी है आपके सामने, अभी तो आपको ये नहीं पता कि हम अंदर क्या देख कर आए हैं, हम देख कर के आए हैं, आपको ये नहीं पता, वो मंजर आपका होगा, ये नेशनल ज्योग्राफिक का आपका है ही नहीं। आगे करके इसकी कॉपी करके रिकॉर्ड करो, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये मैं आंखों से देख रहा हूं, चिमगादड़े हैं सर, चिमगादड़े हैं नीचे, आगे आके मंजर देखे। ये तो भाई काफी बढ़ रही है, ये मंजर देखो आगे, ध्यान से ये चेक करें, ये चेक करें सर, ऐसे हमारे नीचे चमगादड़े हैं गार में, इतनी बड़ी बड़ी, और वो इतनी बड़ी हैं और ऐसे वो ऊपर आई हैं हमारे ऊपर, और हम भागे हैं, ऊपर से ही देख के आ गए हैं, नीचे कौन जाएगा, नीचे कैसे जाएंगे। Mm-hmm.